देख रहे जीटीवी न्यूज। चोरी की 5 वारदातों का सनसनीखेज खुलासा। पति पत्नी भाई और बहन का गिरोह बनाकर करता था बंद घरों में चोरी। 15 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और 2,45,000 रुपए और DVR बराबर। विकास सातव अपनी पत्नी वर्षा और साथी अंकित अपनी बहन वर्षा के साथ गिरोह बनाकर करते थे चोरी। डॉक्टर मोहित गुप्ता के घर में भी इसी गैंग के द्वारा की गई थी चोरी। महिलाएं करती थी रैकी, पुरुष सदस्य देते ठगे चोरी की वारदात। पेशे बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। विशाल, किस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दी? देखो, जो हमने चोरी की है मैंने कह रहा था नहीं, मैंने इसके भले की इसकी बहन की शादी के पैसों में की था, मगर मेरी वाइफ को कोई रोल नहीं था इसमें। मेरी वाइफ को जो उसमें डाल गए हम जो बरामद कराया था मैंने कपने कराया था। नहीं नहीं, चोरी में तो शामिल होना ये बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, ये है नहीं है, उसकी बात नहीं है। आप हैं कि नहीं है? अगर मैं ना दूंगा भी मैंने किया, मैंने किस परेशानी में किसके लिए किया है वो भी। किस परेशानी में चोरी करते थे आप? इसकी बहन की शादी के लिए। अच्छा, साली इसकी बहन के, इसके परिवार में कोई से सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए कह रहा है यही सच्चाई है कि मैं झूठ भी बोल और कहने वांछित है इसकी बहन। इसकी बहन वही खड़ी है थाने में, कोई वांछित नहीं, सही वांछित कर रहे हैं। मेरी बीवी ने कुछ किया? जिनके लिए आप चोरी कर रहे थे वो कौन लगते हैं आपके? ये भाई जैसे दोस्त है, जैसे कि कोई इंसान है। ठीक, ये कैसे प्रोफाइल और क्या कुछ सब बरामद हुई? ये थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने पिछले 3-4 महीनों में कई महत्वपूर्ण चोरियों का अनावरण करते हुए एक साथी गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें विकास जाटव है जो मूलतः सयाना थाना क्षेत्र का रहने वाला है और कोतवाली नगर में किराए पर रहता था। दूसरा इसकी पत्नी है जो चोरी की घटना में साथ साथ जाती थी। तीसरा इसका साथी अंकित जाटव है जो सैदपुर बीबी नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसमें इसकी बहन मीनाक्षी भी सम्मिलित रहती है चोरी के मामलों में, और वो फिलहाल गिरफ्तार नहीं हो पाई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चोरी है वो डॉक्टर मोहित गुप्ता की है, जो होली से पहले की जस्ट है। 9 लाख रुपयों के गहने इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं जो उस चोरी से संबंधित है। एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकर जिसको उखाड़ के चोर अपने साथ ले गए थे उसकी बरामदगी हुई है, और 2,45,000 रुपये नकद जो डॉक्टर के यहाँ थे इस लॉकर में उसकी बरामदगी हुई है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जिन घटनाओं का अनावरण किया गया है उसमें 4 जनवरी 2021 को कोतवाली नगर के आवास विकास कॉलोनी में एक घर से 20,000 रुपये चांदी व सोने की जो चैन, 2 पायल चांदी की, 1 मोबाइल फ़ोन चोरी किया गया था जिसका मुकदमा दर्ज था। ये तमाम चीज़ें बरामद की गई है। इसी के साथ 3 फरवरी को कोतवाली नगर के फैसलाबाद मोहल्ले में एक परचून की दुकान से सिगरेट, बीड़ी, गुटखा आदि सामान चोरी करने की घटना हुई थी, जिसके संबंध में भी अभियोग पंजीकृत था। उस चोरी की घटना को भी इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त 22 फरवरी को रात में कोतवाली नगर के डिप्टीगंज रोड स्थित ICICI बैंक के ऊपर बीमा कंपनी में करीब 2 लाख रुपये चोरी करने की घटना इनके द्वारा की गई थी, जिसमें से कुछ रुपयों के सोने के जेवरात इनके द्वारा जो बनवा लिए गए थे, जो रुपये मिले थे उससे इन्होंने सोने के कुछ आभूषण बनवाए थे, वो आभूषण बरामद किए गए हैं। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये साथी चोर गैंग है जो कोतवाली थाना क्षेत्र में घूम करके लगातार चोरियां कर रहा था। चूँकि महिलाएं इस गैंग में सम्मिलित थी इसलिए रात को निकलने पर किसी को इनके ऊपर शक नहीं होता था। सर, इनका चोरी करने का पैटर्न क्या था? ये बड़े इत्मीनान से रात के समय दिन में रेकी करते थे और पता करते थे कि कहाँ कौन सा ऐसी जगह है जो रात में, जहाँ पुरुष नहीं है। महिलाएं इस काम में विशेष सहयोग करती थी और रात को ये महिलाएं साथ साथ जाती थी ताकि पुलिस आग पिकेट में जो कर्मचारी हों वो इन्हें देख के किसी प्रकार का कोई शक न कर सके और घटना करने के बाद वापस अपने आवास में आ जाते थे। थैंक यू।